अब ही गाय का गोरू मुद्दा का कहाँ खत्म हुआ, जब ये बंद हो जाए तब है तो खत्म हुई। नाराजगी बहुत होती है। हाँ बिल्कुल, किसान की दिक्कत है, किसान को बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत है। वो तो सब लोग चाहते, हम भी चाहते हैं कि बदलना चाहिए, क्योंकि जो ये जानवर हैं उसके लिए घर के छोड़ के बाहर में हमको खेतों में सोना पड़ता है। अरे किसान को अलग अनाज बेचना पड़ता है, एमएसपी पे रेट नहीं बेच पाता है किसान, उस सही समय पर तौल नहीं होती है। हमारे आलू की खेती होती है, जल्दी जल्दी धान काट करके बेचना पड़ता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत रास्ता की हमारे गाँव में, हमारे लिए भी है, सब हमारे पूरे मोहल्ले के लिए भी रास्ता नहीं सही। और क्या दिक्कतें हो रही? और दिक्कत कोई योजना सरकारी हमारे गांव तक नहीं पहुंच पाती है। बहन यादव के ऊपर वैसे गर्म, बहन वो गर्म है। अरे भैया हमारे योगी जी यादव पे गर्म है। हाँ योगी जी अब यादव मुस्लिम के ऊपर गर्म बाम। अभी योगी सरकार ने कहा था कि किसानों का जो है ट्यूबवेल का बिल फ्री किया जाएगा, अभी तक उसको नहीं किया। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ क्षितिज कांत। इस समय बाराबंकी में हूँ और हमारे साथ आप देख रहे तमाम किसान हैं। सरकार तमाम सारी बातें करती है योजनाएं पहुंचाने की ग्राउंड स्तर पर, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि योजनाएं जो बात किया वो जमीनी स्तर पर पहुंच ही नहीं पाई। हम बात करेंगे कि समस्याएं क्या क्या होती हैं। दादा पहले आपसे बात करते, नाम आपका? हमारे गाँव में रास्ते की बहुत ज्यादा दिक्कत है। कौन से गाँव से है? सेवली गाँव से। क्या क्या समस्याएं होती है? समस्या यही है, रास्ता वाली सबसे ज्यादा दिक्कत है, और बाकी हराहन की दिक्कत है, जो कुछ बोआ जाता है वो सब चढ़ जाते हमेशा चढ़ जाते। गरीब आदमी के पास तार पैसा लावक नहीं है तो कहां बांध दिए। और बाकी जो है, चाचा एक बात करें, अभी 2022 का चुनाव था, उसमें बड़ा मुद्दा गाय और गोरु का था, और उस समय योगी जी भी आए और तमाम सारी बातें हुई, लेकिन गाय गोरु का मुद्दा अभी तक खत्म नहीं हो पाया। अब ही गाय का गोरु मुद्दा का कहाँ खत्म हुआ, जब ये बंद हो जाए तब है तो खत्म हुई। नाराजगी बहुत होती है। हाँ बिल्कुल, किसान की दिक्कत है, किसान को बहुत ज्यादा दिक्कत है। अच्छा सरकार से नाराज होते हो कि नहीं? सरकार से तो नाराज है के कहां जाइबे, लेकिन सरकार से कुछ तो गुस्सा होबे करी। नुकसान हो तो गुस्सा हो जरूर। चाचा आपका नाम? मेरा नाम देवी दीन है। कहाँ पर रहते हैं? हम सेवली में रहता हूँ। सेवली में रहते हैं, क्या क्या समस्याएं होती चाचा? अरे किसान को अलग अनाज बेचना पड़ता है, एमएसपी पे रेट नहीं बेच पाता है किसान, उस सही समय पर तौल नहीं होती है। हमारे आलू की खेती होती है, जल्दी जल्दी धान काट करके बेचना पड़ता है, तो प्राइवेट बेचना पड़ता है हम लोगों को। सरकार कोई योजना जमीन इस तरह पहुंचा नहीं पा रही? नहीं पहुंच पा रहे उनकी योजना को। नाराजगी होती है जी, बहुत नाराज है लोग। बदलने का मन होता है? बिल्कुल मन होता है, बदलने का मन होता है। आपका चाचा नाम? राम शंकर। किधर रहते हैं राम शंकर? सेवली। सेवली में ही रहते हैं, सेवली में काफी दिक्कतें सुन रहे हो रही है। हाँ सबसे ज्यादा दिक्कत रास्ता की हमारे गाँव में, हमारे लिए भी है, सब हमारे पूरे मोहल्ले के लिए भी रास्ता नहीं सही। और क्या दिक्कतें हो रही? और दिक्कत कोई योजना सरकारी हमारे गांव तक नहीं पहुंच पाती है। प्रधानमंत्री जी तो बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं। वो तो कर रहे हैं, लेकिन हम क्या बताएं, जमीन इस तरह पहुंच नहीं पा रही, नहीं पहुंच पा रही। नाराजगी होती है? हाँ बहुत, कायदे से होती है, लेकिन हम लोग क्या ही कर सकते हैं, गरीब लोग। बदलने का मूड होता है कि नहीं? मूड होता, लेकिन एक दो लोगों के बदलने से कोई बदल नहीं जाएगा। लेकिन आपका पर्सनली मन क्या होता, सरकार बदल जाए या बदल जाए या यही रहे, लेकिन जब तक कि हम लोगों को सुकून नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या कहें? सुकून जब तक नहीं मिलेगा तब तक क्या कहें? हाँ अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा सबको तो है नाम है जो कि नरिया नहीं बना है वहाँ पर, और नाला वो बहुत खरियार है। क्या दिक्कत हो रही है फिर से बताएं? खरियार है, उठे पानी उठे पटावा वाला है, हर चीज जाया हुआ में चहला हो जाता, दिक्कतें होती है। दिक्कतें होती है, रास्ता की बड़ी हाँ दिक्कतें होती है। दादा एक बात करें, किसान हो आप? हाँ किसान है, खेती करते? हाँ खेती करते हैं। क्या दिक्कत होती खेती होती? खेती में दिक्कत है, पानी बरस गया, आलू जा रहा है और सब कुछ जा रहा है, दवा डालो दोनों डालो, तो जो है आप क्या करें, न पैदा होता हो न पैदा होता हो, नुकसान हो जाता, नुकसान बहुत लंबा होता। गाय गोरु के लेके दिक्कत? गाय गोरु हम रही है नहीं तो हम कहाँ बताए, नहीं छोटा जानवर दिक्कत होती? हाँ छोटा दिक्कत होती, फसल चढ़ जाती? हाँ फसल चढ़ जाती। सरकार तो बड़ी बड़ी बातें करती है, योजनाओं की जमीनी स्तर पहुंची कि नहीं पहुंची? जो योजनाएं जो सरकार की होती है वो जमीनी स्तर पर आप लोग तक पहुंचती है कि नहीं? पहुंची, वो नहीं पहुंची, कोई योजना नहीं? हाँ वो कोई योजना नहीं, कोई लाभ मिला? कोई लाभ नहीं मिला। राजगी होती है? हाँ कोई लाभ नहीं। बदलने का मन होता सरकार को कि नहीं? है? सरकार को बदलने का मन होता है? मन हो तो बदल दी, का कर, हमने बदल सोची का बदले, लेकिन मन होता है? हाँ मन हो तो कैसे बदल दी भाई, कैसे बदल दी, हमने बदल सोची। चाचा क्या काम करते हैं? चाचा आप क्या काम? खेती कर रहे हैं। कहाँ आपसे? सेवली। सेवली में हो? हाँ। क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको? दिक्कत हमका बहुत है, पानी भरा है, ट्यूनी ट्यूनी बच्चे सब बीमार हो रहे हैं,
और पानी प्रधान कार्य नहीं दिया, पानी नहीं निकलने देते। हाँ बुझाओ सब लोग हमारे बैठे। अच्छा चाचा एक बात और करें, सरकार बहुत सारी योजनाएं पहुंचाने की बात करती है जमीनी स्तर पर, कहती किसानों को बहुत लाभ दिया, आय दुगुनी कर दी, MSP पे आपका अनाज बिक रहा है, क्या वाकई में हो रहा है कि नहीं ऐसा? अब अनाज हम कहाँ बेचे भाई, MSP पे नहीं बिक रहा। हाँ 2000 रुपया मिल रहे हैं? नहीं मिले। हाँ वही मिले हैं, हमारे पिताजी पाए रहे, हम नहीं पाए रहे। नहीं मिल रहा। हाँ अच्छा एक बात और कर ले, जो गाय और सांड को लेकर के जो समस्या 2022 के चुनाव से पहले थी, क्या आप खत्म हो गई या नहीं? बहुत हुए, बहुत बचाते हैं, रात दिन बचाते हैं, बैठना पड़ता खेत में, रात दिन हुए खेतों में रह जाते हैं, जानो लाग तो नहीं लाग। हाँ सरकार कोई चीज संभाल नहीं पा रही। हाँ हाँ संभाल पा रही कि नहीं? अब संभालत यह है कि हरा बचाई। नहीं सरकार जो समस्याएं हैं उसको हैंडल कर पा रही कि नहीं हैंडल कर पा हम लोग नहीं कर पा रही। राजगी होती है? हाँ तो बदलने का मूड होता है कि नहीं? अब बिल्कुल होते, बिल्कुल होते। आगे आ जाओ, युवा हो, नाम क्या है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी कहाँ पे रहते हो? सिवली में। सिवली में क्या काम करते हो? सिवली में मैं तो खेती भी करता हूँ, मजदूरी भी करता हूँ, दोनों करते हैं। दोनों करते। परिवार में कितने लोग? परिवार में मान लो 7 लोग हैं। चल जाता है परिवार आराम से? अरे थोड़ा बहुत चल जाता है, पर एडजस्ट करते हैं, फिर भी एडजस्ट करना पड़ता है। यस मुसीबतें क्या क्या होती है? अरे मुसीबतें तो बहुत कुछ कारण होती हैं, क्योंकि जो मुसीबत सरकार देता है उससे तो हम हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी पहुंच इतनी नहीं है। जो हम करते हैं उसी में हम खुश रहते हैं, जो सरकार करता है उसमें हम तो जहाँ पहुंच ही नहीं पाते, तो हमारी समस्या कैसे हल हो जाएगी? लाभ नहीं मिलता, उससे हमारा क्या लाभ होगा? नाराजगी होती सरकार? होती है, पर हम क्या कर सकते हैं? बदलने का मन होता है? बदलने का मन होता है, पर अकेले एक से थोड़ा ना होगा, एक से नहीं होगा। लेकिन एक आप इकलौते चाहते क्या है कि सरकार यही रहे कि बदल जाए? नहीं वो तो सब लोग चाहते, हम भी चाहते हैं कि बदलना चाहिए, क्योंकि जो ये जानवर हैं उसके लिए घर के छोड़ के बाहर में हमको खेतों में सोना पड़ता है। घर नहीं, वो खेतों में सोना पड़ता है, फसल लगा दो और खटिया डाल के वहीं पे सोना पड़ता है। दिक्कतें बहुत है। दादा आपका नाम क्या है? हमारा नाम भारत प्रसाद, ग्राम सिवली के रहने वाले हैं। सिवली के रहने वाले, क्या समस्या हो रही है आप लोग? समस्या हमारे गांव में इतनी बड़ी है कि कम से कम 20 घर ऐसे हैं जो हमारे मोहल्ले में, और नापदान और लेटरिन का पानी 2 फीट ऊंचा भरा है। तो उसके लिए प्रधान से कई बार कहा गया कि इसकी नाली बनवा दो, तो अभी तक वो टालते रहे कि बनवा देंगे, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा आप किसान हो? जी। किसानी में क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? किसानी में सर अब यही दिक्कत है, जैसे हमारे यहाँ जमीन तराई है, तो उसके बगल एक खारजा था वो पड़ गया था, तो अब आंसो धान की फसल सारी चली गई, उसमें मान लीजिए मोहंदीपुर के और हमारे गांव की सैकड़ों बीघे चली गई धान की फसल। एक बात करें, यहाँ पर जो सांसद जी हैं वो तो BJP से ही हैं। जी सुनवाई नहीं करते? नहीं वहाँ तक देखो अभी तक हम लोग कोई गया भी नहीं, उनकी गलती नहीं है, अगर कोई जाएगा तो बिल्कुल। खुद आते हैं कभी? हाँ आते हैं। कभी शिकायत नहीं की आप लोगों ने? कभी वो प्रधान जी दिलासा देते रहे कि हम बनवा देंगे नाली के विषय में, तो इसलिए उन्होंने कोई नहीं कहा कि भाई गांव में रहना है एक जगह, तो किसी की बगावत ठीक भी नहीं है। मुसीबतें हैं, लेकिन मुसीबतें काफ़ी से काफ़ी हैं। एक बार जो है उन्होंने कहा कि हम अपनी बाग में नाली बनवा देंगे, फिर कहा गया तो कहा कि उन्होंने कहा कि पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है, एक बात दादा करें, तमाम सारी जो योजनाएं जो सरकार जो पहुंचाने की बात करती है, मोदी जी बात करते हैं, वो सब पहुंची आप तक कि नहीं? नहीं वो तो पहुंच रही है, पैसा जो 6000 मिलता है वो पहुंच रहा है। उससे खुशी है? अरे उससे खुशी अब है तो नहीं, उससे खुशी होने वाली क्या चीज है? किसान को अपना हक मिल जाए, उसका अनाज मिल जाए, रेट से बिके और रेट से उसको डीजल मिले, खाद मिले, तो ये 6000 रुपया माने क्या होता है? इसको ना दे उसको, सरकार से नाराज है? नाराज के मतलब वो हमको पैसा ना दे, गल्ला अनाज ना दे, लेकिन हमारी अनाज की कीमत समझे। बदलने का मूड होता सरकार? हमारा जो है सही रेट से वो मिले, गल्ला बिके और सही रेट से खाद मिले, डीजल मिले, तो हमको 6000 लेने से क्या जरूरत है उससे? वो तो एक लालच वाली बात है। 6000 रुपए दे करके आपके बाकी सारे हक मार दिए सरकार? बिल्कुल वो तो है ही है। बदलने का मूड होता सरकार? बिल्कुल होता है, लेकिन एक से थोड़ी बदल, ये जनता है भाई।
जनता है जनार्दन है। जनता है जनार्दन है। आपका नाम क्या है चाची? राजकुमारी जी नाम है। कहाँ पे रहती हैं? बसंतपुर रहते हैं। क्या समस्याएं होती है किसान? आप किसान हैं? किसान है मतलब मेरे खेती भी नहीं है मेरे। क्या समस्याएं हो रही है आपको? ये जैसे हमका 6 लोग हैं और हमका 20 किलो मिल रहा राशन, तो मैं खाने के यहाँ बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है, क्या हम खाएं और क्या पोती पोतन को खिलाएं। सरकार से कोई लाभ वगैरह मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। नाराज है सरकार से? सरकार से क्यों नहीं नाराज होंगे? बदलने का मन होता है? मन होता है, हमसे क्या मतलब है, कैसे हम बदल सकते हैं? अकेले हैं, हमारे अकेले बदलने से थोड़ी बदल जाएगा। चाहती हैं बदल जाए? चाहते हैं कि हमका जब समस्या है, जब हमारे खाने का नहीं अट रहा, मेरे जमीन नहीं है, तो हमको कुछ तो सहायता करना चाहिए। 35 किलो के अगर लग कर जैसे राशन कार्ड के बन जाए तो हमको क्यों परेशानी हो? लाभ नहीं पहुंच पा, कुछ नहीं है, लाभ नहीं पहुंच पा। चाचा आपका नाम? हमारा चंद्रिका प्रसाद भैया नाम है, हम यादव हैं भैया, और हम यार भैया सपाई हैं भैया। मैं सपा का देना चाहता हूँ और किसी को देंगे नहीं भैया, अगर देंगे तो मानेगा कोई नहीं। तो वोट पे आ गए, हम तो पूछे ही नहीं आप किसको देंगे किस। अगर हम किसी को दी तो हमका कोई मन में नहीं करी बहन, और तकलीफ तो बहुत ही बड़ी बहन। क्या समस्या है? अरे समस्या भैया हमारा लड़का पढ़त बहन नामावर है बहन, नेक पाली में बहन देखो आवे ना ना होए बहन, यादव के ऊपर वैसे गर्म बहन वो गर्म है। अरे भैया हमारे योगी जी यादव पे गर्म है। हाँ योगी जी अब यादव मुस्लिम के ऊपर गर्म भैया मेरे। मध्य प्रदेश में बीजेपी मुख्यमंत्री बनाई है मोहन यादव को मालूम है कि नहीं? अरे दादा तू हमरे कामे कहाँ है भैया, मोहन यादव हुआ हुआ यहाँ कहाँ है? यहाँ के बारे में क्या समस्या आ रही है? यहाँ समस्या कहाँ आ रही? यहाँ बहन बड़ी तकलीफ है बहन, पूछो ना जी रहन बस अकेले हन भाई, भगवा मुँह इतना फैला है बस जी नहीं पाए रहन दादा, मानो जी नहीं पाए खाली भगवा इतना मुँह फैला है। आपको भाग बमोल वर्मा दादा जी, बहमूल वर्मा ही अकेले अहिरो का करें को है ये हम यादव ये वर्मा जी को है वर्मा वर्मा मेरा घर होता है। आप लोगों को दिक्कत कर रहे हैं? नहीं वो नहीं दिक्कत करते हैं। हाँ हाँ अरे दिक्कत भैया सड़वा बखवा करे भैया ने सड़वा ने पूछो ना राज भर सड़वा बचे की नहीं है तो उनका का करिए भाई सड़वा बखन का करिए भाई बहमूल तो वर्मा है लेकिन भाई सड़वा बखन का करिए बस सबसे दिक्कत या भैया कहो सड़वा बचे कहो घर बचे साढ़ बच साढ़ से बचा रहे खेत को या घर बचा पा रहे? बस घर नहीं बचा पा रहे सड़वा खेतवा बचे के तो लड़का का कही है और घर बचाओ पर ही तो देखो लड़का फिर भूखन में कौन संभाल ला फिर। अरे घर हमें संभाली से दादा ही खेतों के जाई थे लेके था दन दे घर हूं कहती है दादा देखो सब कुछ। पर सरकार तमाम सारे लाभ की बात कर रही, कोई लाभ आप मिल रहा है आप लोग को? भैया हमका कुछ नहीं मिला, हमका कुछ नहीं मिला, नहीं मिला हमका कुछ नहीं मिला भैया। नाराज हो सरकार? हम सरकार से खूब नाराज हैं कि क्या करोगे 24 में? अरे अब 24 जब आई भैया फिर देखा जाए तो लेके मन होता है कि नहीं? हमारा तो मन खप है लेकिन लेकिन वर्मा जी का मन नहीं होती। वर्मा जी को है? अरे वर्मा जी अभी तुम ना जान पे हमारे हुआ थोड़ा थोड़ा बदलाव, जैसे हम अहीर हैं तो हमारा नाम का रखा जाता है यादव, बस ये थोड़ा बदलाव रखा जाता है, ये सब ब्रांड ब्रांडी चीजें रखी जाती बाबू जी। हाँ ये काफी सारी गहरी बातें कर। क्या नाम है आप? अनिल कुमार। क्या काम करते हैं? खेती। खेती कर रहे हैं? सब चंगासी या चंगासी नहीं? सब बढ़िया बढ़िया। एक दिक्कत है हमारे घर के सामने नाली भरी, इतना पानी भरा निकसे में दिक्कत होते है, प्रधान सुन नहीं रहे, नाली बनवा नहीं रहे। अच्छा एक बात कर ले, तमाम सारी जो योजनाओं की बात होती है वो पहुंच रही कि नहीं? वो हमका नहीं मिल रहे, कोई नहीं मिल रहे, कोई नहीं मिल रहे। नाराज हो सरकार से? अब नाराज हो अब फ्री गल्ला तो सब कोई पावा थे, का तुम नहीं पावा थे यार? अब हमें बताइए क्या दिक्कत हो, फ्री गल्ला मिल रहा है? हाँ जो मिल रहा तो मिल रहा, उससे खुशी है कि नहीं? अब खुशी जहाँ सब खुशी तहाँ हम खुशी है। सरकार से फिर किन चीजों पे नाराजगी है? अब सड़वन से बस वहा है दिक्कत, और कौन नाराजगी है? बदले का मूड होता सरकार का? अब कोई हमारे बदले तो बदली ना, जब सब बदले है तब तो बदली। आपका पर्सनली मन क्या कहता है, आप अकेले का चाहिए? अकेले बस हमारे दिक्कत यह है नाली हमारा बनवा दी जाए, बस यह खाते हम आए हैं लेटिंग आए हैं। आपका नाम क्या है? हमारा सर नाम क्यों नाम है? आप रहते हो सेवली में? रहते हैं सेवली में? रहते हो? आपके पानी की दिक्कत है? जी पानी दिक्कत हमारी है। क्या क्या दिक्कत है? और साहब कोई दिक्कत हम कह नहीं है, पानी की पानी दिक्कत है, प्रधान से निवेदन है कि वो नाली बनवा दे बस। पानी से क्या खेतों में दिक्कत हो रही है आप लोग? नहीं नहीं खेती में कोई दिक्कत नहीं सर। क्या दिक्कत हो रही पानी से? पानी नाली बड़ी है दरवाजे हमारे, वो प्रधान बनवा नहीं रहे हैं, पानी इतना भरा है,
आप लोगों से मतलब निवेदन है कि हमारा जो संघ संविधान करा दी जाए। अच्छा, आ रहे तो आपको कोई लाभ वाभ मिला सरकार से? नहीं सर, हमें तो कोई लाभ नहीं मिलता है। कोई लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं, किसान संबंधी निधि मिलते ही नहीं। तो नहीं मिला तो नाराजगी है सरकार से? तो नाराजगी तो है ही है। और बदलने बदलने का मन इसका है कि देखिए जो गरीब का हक है वो गरीबों तक क्यों नहीं पहुंचता है। अभी योगी सरकार ने कहा था कि किसानों का जो है ट्यूबवेल का बिल फ्री किया जाएगा, अभी तक उसको नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? सुनता कोई नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती। दावे बड़े बड़े होते, दावे बहुत बड़े होते, ये करेंगे वो करेंगे, स्कूल बनवा देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, कोई करता है? कोई नहीं करता है। 24 में फिर से चुनाव है, बदलने का मन है? हाँ बिल्कुल बदलने का मन है। जब सरकार करेगी नहीं तो दूसरी सरकार बनाई जाएगी, क्यों नहीं करती? जब सरकार करेगी नहीं तो दूसरी सरकार बनाई जाएगी, ये आम किसान है, सभी से बात कर रहे, सभी अपनी राय हमारे बीच में रख रहे थे, सभी से हमने बात की, जो योजनाएं जो सरकार ने पहुंचाने की बात की जमीनी स्तर पर क्या पहुंची, सभी बता रहे हैं, तमाम सारे बड़े बड़े वादे हुए, तमाम दावे हुए, लेकिन जमीनी स्तर पर हाल ज्यों का त्यों बना हुआ है। और किसान ये तक कह रहे हैं कि 2024 में जो चुनाव होगा उसमें सरकार बदलेंगे, ये तक कहा कि क्या अकेले बदलने से क्या सरकार बदल जाएगी, सभी की यही राय थी। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है, नाराजगी सभी में है, तमाम सारी योजनाएं पहुंचाने की बात होती है, देखने वाली बात होगी 24 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद।